ISIPS बनने का सपना और उसे पूरा करने के लिए दिन रात को एक कर देने की लड़ाई ऐसे खत्म हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा होगा। देश की सबसे टफ परीक्षा मानी जाने वाली UPSC को पास करने के लिए, जहां लाखों छात्र अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, तो वहीं कोचिंग के मालिक पैसों और बिजनेस की खातिर एस्पिरेंट्स के सपनों खेलते हैं। शुक्रवार को कुछ ऐसा ही हुआ। राव IAS कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में बने लाइब्रेरी में अचानक बारिश की पानी भर जाने से उसमें डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई। लेकिन इसमें गलती किसकी है, कोचिंग सेंटर की, प्रशासन की या दिल्ली नगर निगम की? आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। दरअसल राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट अवैध चल रहे लाइब्रेरी की शिकायत एक महीने पहले 26 जून को ही MCD से कर दी गई थी। बार बार रिमाइंडर भी भेजी गई, पर MCD की उदासीनता तो देखिए। हादसे वाले दिन भी शिकायत अंडर प्रोसेस जा रहा था। सिविल सर्विस एस्पिरेंट किशोर सिंह कुशवाहा ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। फिर 15 जुलाई और 22 जुलाई को निगम को रिमाइंडर भेजे, लेकिन नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक करोल बाग निवासी कुशवाहा ने नगर निगम के लिखा था, बिना किसी अनुमति और बिना किसी NOC के वे बेसमेंट में क्लास चला रहे हैं, वे टेस्ट क्लास ले रहे हैं, इसमें छात्रों के साथ कर्मचारियों का भी जीवन प्रभावित हो रहा है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बड़े UPSC कोचिंग संस्थान छात्रों की जान जोखिम में डालकर अवैध जगहों पर कक्षाएं चला रहे हैं। कुशवाहा सिर्फ कंप्लेन करने के बाद ही नहीं रुके, चूंकि सिविल सेवा की तैयारी वह भी कर रहे थे तो उनके सरकारी कार्य व्यवस्था की जानकारी थी। उन्होंने 2 बार निगम को रिमाइंडर भी भेजा, फिर भी नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बताते चले कि दिल्ली, खासकर करोल बाग और ओल्ड राजेंद्र नगर ISIPS कोचिंग का सबसे बड़ा हब है। बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी की कतार यही नहीं खत्म होती है। आप एक बार हो आइए वहां से, दुर्गति देख रोह न कांप जाए तो कहिएगा। राव IAS का तो सिर्फ नाम सामने आया है, कोचिंग वालों से लेकर प्राइवेट तक सभी बिना किसी क्लियरेंस के छात्रों के जीवन से खेलते हुए बेसमेंट में जर्जर मकानों में लाइब्रेरी चला रहे हैं। और हमारी सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे हाथ पर हाथ धरी एक बड़े हादसे की इंतजार में रहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।